आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कच्चे आम की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी। कच्चे आम से तो आप लोगों ने कई तरह की रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर पूरा देखिए। तो चलिए बनाते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो कच्चे आम लिए हैं, यह खट्टे वाले आम हैं। इन आम को हमें छील लेना है और इसके अंदर जो गुठली होती है उसको हटाना है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हमें निकालना है। तो हम चाकू की सहायता से इस तरह से इसकी गुठली निकाल देंगे। यह बहुत खट्टे आम है क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए खट्टे आम का इस्तेमाल करें। तो हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका हमें पेस्ट बना लेना है इस तरह का। तो यह अच्छा पेस्ट बन चुका है, इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जो इसके टुकड़े होंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो आम लिए हैं, तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दी है। अभी मैंने कढ़ाई को गैस पर नहीं रखा है क्योंकि इसको हम चटपटा बनाएंगे, तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में यहाँ पर 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी चटपटी सी हमारी जो कैंडी बनेगी आम की, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब मैंने इसको कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब हम मीडियम आँच पर इसको हमें चलाते हुए पकाना है। इस मिठाई को बनाना बहुत आसान हो गया है, 10 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने फ्रूट कलर डाल दिया है क्योंकि आम ग्रीन कलर होता है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। तो इसको चलाते हुए हमें अच्छे से पकाना है जब तक यह इकट्ठा ना होने लगे। यह कढ़ाई को छोड़ देगा, एकदम यह जेली फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कोई कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है। इस तरह से इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। ये एकदम अच्छे से पक चुका है, तो देख सकते हैं। अब इसको हमें ठंडा होने देना है। तो जब तक यह ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर हम कटोरियों को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम की छोटी वाली कटोरियों को घी से ग्रीस कर दिया है। अब हम इनको फिल करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कांच की या स्टील की कोई भी कटोरी ले सकते हैं छोटी, नहीं तो आप जैसे आप लोगों को कैंडी बनानी है तो आप कैंडी के मोल्ड में इसको डालकर कैंडी का भी शेप दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको मैंने किचन सेंटर पे ही छोड़ा था 10-15 मिनट के लिए, जिससे यह अच्छे से सेट हो गई है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी कच्चे आम की मिठाई कैंडी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे बनाना बहुत आसान है, आप लोगों ने देख ही लिया है, बहुत ही मज़ेदार लगी बनी है यह। इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। यह खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।